नमस्कार दर्शकों, चुनावी वेला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका। तो अभी हम आए हैं वार्ड नंबर 6 से, जहां से आजाद उम्मीदवार जो हैं वो सुदेश कुमारी जी हैं यहां से। तो हम उनसे जानेंगे कि उनका चुनाव चिन्ह क्या है और वो किस तरह से प्रचार प्रसार कर रही हैं। जब वो प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों के बीच जा रही हैं, तो किस तरह से लोग जो हैं किस तरह से अपनी समस्याएं उनके सामने रख रहे हैं और वो किस तरह से उनका निपटारा करेंगे। नमस्कार मैम, आज स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम। मैम, जैसे आपका चुनाव चिन्ह क्या मिला है आपको? मेरा चुनाव चिन्ह वायुयान है। अच्छा, तो आप जब लोगों के बीच प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो लोगों का कैसा सहयोग है? मुझे लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। लगभग सारा वार्ड जो है वो मेरे साथ चला हुआ है, और जब मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ तो वो अपनी समस्या हमें बता रहे हैं। जब उन समस्याओं को मैं देख सुन रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि 10 सालों से यहाँ कोई काम हुआ ही नहीं है। लोगों की गलियों का बहुत बुरा हाल है, चैम्बर नंगे पड़े हुए हैं, नालियों में से गंदगी निकालकर बाहर ढेर लगे हुए हैं, और गंदा पानी सारे उनकी जगह पर पूरी गली में बह रहा है, और वो नालियों का पानी लोगों के घरों में अंदर घुस रहा है, उनके घरों में सीलन है, सीवरेज की नालियां जगह जगह से टूटी हुई हैं, वो भी बदबू फैलाई हुई है, और लोगों को उससे बहुत तंगी आ रही है, और उस बदबू से और उस सारे जो गंदा वायुमंडल हो रहा है उससे लोगों में पीलिया जैसी बीमारियां फैलने का डर है। मैं गलियों में जब जा रही हूँ तो वहाँ जो पीने के पानी की जो नालियां हैं वो गंदे नालियों में हैं, अब उन नालियों का पानी जो पीने को लोगों को प्रोवाइड होता है, तो वो पानी जो है वो लोग पीते हैं तो उससे तो बीमारियां आएंगी। तो ये सारे मैंने उन लोगों को आश्वासन दिया है कि जब मैं बन जाऊंगी तो ये सारी नालियां जो पानी पीने की गंदी नालियों में हैं और आपको गंदा पानी प्रोवाइड हो रहा है, उसके लिए मैं सही उन नालियों को गंदी नालियों से निकलवा के एक नाली बनवा के उनको शुद्ध पानी प्रोवाइड करवाऊंगी, और सीवरेज की जो प्रॉब्लम है लोगों को मैं उस प्रॉब्लम को भी दूर करवाऊंगी। कई जगह पर कई गलियों में मैं ऐसे गई कि लोगों के घर नीचे रह गए हैं और सीवरेज की नालियां और गली जो है वो उनके घर से 4-4 फुट ऊंची बना दी हैं। जो वर्षा का पानी आता है वो सारे उन लोगों के घरों में जाता है, और बरसात में या वर्षा वाले दिन में वो लोग इतना परेशान होते हैं कि वो परेशानी देखकर मैं तो इतनी हैरान हुई कि ये लोग कैसे यहाँ पर रह रहे हैं, जबकि कमेटी के वार्ड पीछे भी 10 साल रहे हैं। क्या उन्होंने इन चीजों को नजरअंदाजी कर दिया? और बाकी जो है लोगों के चैम्बर नंगे पड़े हुए हैं और वो कीचड़ से भरे हुए हैं, अगर कोई आदमी वहां से गुजरता है एक मिनट के लिए अगर लाइट ना हो तो लोग उन चैम्बरों में उन नालियों में गंदगी में गिर के कुछ भी हो सकता है, उनकी हड्डियां भी टूट सकती है। और बहुत सारी गलियां में ऐसे देखी कि जहां पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है और हमें मुझे अंधेरे में जाना पड़ा। तो ये मैं इन चीजों को सबसे बड़ी प्राथमिकता दूंगी। एक मेरी गली जो ऊंची है उसको प्राथमिकता दूंगी, बाकी खोखों का आवंटन जो है वो सही ढंग से नहीं हुआ है उसका भी मैं पूरा ही तन मन धन से ध्यान रखूंगी और उसका भी सारा काम करवाऊंगी। यहाँ पर मेरी 10 साल पहले जब मैं नॉमिनेट हुई थी तब से मैं एक अभियान शुरू किया था कि वार्ड नंबर 6 में एक पार्क होना चाहिए, लेकिन मेरे से बाद वो पार्क का काम जो था उसको बंद कर दिया और वो नहीं हुआ। लेकिन मैं उन 10 सालों में भी अपनी पूरी कोशिश जो है वो अपने लेवल पर करती रही। स्टेट गवर्नमेंट में भी मैंने वो कागज़ भेजे और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वो मैंने कागज़ भेजे हैं, और वहाँ से मुझे उम्मीद है कि ये काम मैं 100% जो है वो करवा दूंगी। इसके साथ मैं एक म्यूजिकल फवारा बच्चों के लिए बनवाना चाहती है ताकि वार्ड नंबर 6 के बच्चे जो हैं वो इन सभी चीज़ों का आनंद ले सके। मैं कमेटी के अंदर अगर मुझे मेरी प्यारी आदरणीय जनता ने अगर मुझे अपना प्यार दिया, अपना वोट दिया, और अगर मैं पार्षद बन गई तो मैं अंदर जाकर सारा जो काम है वो करवाऊंगी। जितना भी रिकॉर्ड है जो ठेकेदार
ठेके दिए जाते हैं ठेकेदारों को, और जितना भी रिकॉर्ड है यहाँ का प्रशासन का, मैं उसको सारे को ऑनलाइन करवाना चाहती हूँ और भ्रष्टाचार मुक्त चाहती हूँ मैं इसको, कि उसके लिए मैं अपना सब कुछ लगाऊंगी। और भ्रष्टाचार, भाई भतीजा बात जो यहाँ पर हो रहा है, अपनी मर्जी से ठेके दिए जा रहे हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ हो रहा है, मैं उस सब का बड़ी कठोरता से मुकाबला करूंगी और मैं लोगों को न्याय दिलाऊंगी। मेरा धर्म जो है, मैं किसी चीज़ के लिए नहीं खड़ी हूँ, ना मैं किसी पद के लिए खड़ी हुई हूँ, मैं सिर्फ लोगों की सेवा सेवा और सेवा ही करना चाहती हूँ। मैंने ये आए थे, हमारे मुख्यमंत्री आए थे, तो मैंने उनसे अपील की थी जब वो मंदिर में आए कि हमारा गांधी गेट जो है वो जर्जर अवस्था में है, तो इसको आप देखो भी ये क्या है। तो उसी समय ही उन्होंने बोल दिया था, प्रशासन को बोल दिया था कि इसके लिए पैसे मंजूर करो, और उन्होंने 7 लाख रुपया दिया है, लेकिन आज तक वो उसी जर्जर हालात में वो है। इवन वहाँ पर सफेदी तक भी नहीं की गई है, इतना नज़रअंदाज किया जा रहा है हर काम को, ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो नज़रअंदाज कर रहे किया गया है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा वार्ड नंबर 6 जो है वो बिल्कुल स्वच्छ सुंदर साफ हो, और एक आदर्श बार जो है वो बने, इसमें सुंदरता हो, कहीं भी गंदगी का निशान ना हो। फूलों के गमले जगह जगह रखे होने चाहिए, नालियों का गंदगी का पानी का सब चीज़ें ढकी होनी चाहिए, और मुझे आशा है कि मुझे आप इन लोगों का साथ मिलेगा और मैं इन सभी कामों को अवश्य करवाऊंगी। धन्यवाद मैम हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थी वार्ड नंबर 6 से सुदेश कुमारी जी। तो इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी बात कही कि जो नालियों को जब जो पीने का पानी है वो गंदी नालियों के बीच में नालियां लगी हैं, जिससे जो बैक्टीरिया वगैरह है वो उसमें भी एंटर करते होंगे, तो जो पीने का पानी है वो लोगों को बिल्कुल शुद्ध नहीं मिल रहा है। तो ये उसको भी लोगों को जो है, अपने बाढ़ के लोगों को जो है वो स्वच्छ पानी जो है उपलब्ध करवाएंगी, और जो सीवरेज की जो भी इन जो बाढ़ वासियों की जो भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इनके सामने रखी, वो उनको प्राथमिकता के साथ उठाएंगी। तो मैं हूँ दीपिका एशुडे, कैमरामैन अश्विनी कुमार के साथ।